सो एक मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने सपने में देखा था कि वो एक रोड पे, एक खाली रोड पे अकेले चल रही हैं और वो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं जाने की कोशिश कर रही हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैंने उनसे ये बोला था कि क्या आप लाइफ में अलोन फील करती हैं, लोनली फील करती हैं, या आप हेल्पलेस फील करती हैं, आप मदद मांगना चाहती हैं पर आपको कोई मिल नहीं रहा है, डू यू फील अलोन? तो फर्स्ट शी डिनाइड कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड आफ्टर फ्यू डेज शी केम बैक, शी वॉज लाइक यू नो वॉट यू वर राइट, आई डू एक्चुअली फील लाइक दैट। हाई एवरी वन, दिस इज निकिता हेयर और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट ड्रीम इंटरप्रिटेशन या फिर ड्रीम एनालिसिस। क्या सारे ड्रीम्स मैसेज कंटेन करते हैं? क्या वो एक मीनिंग कैरी करते हैं? हम कैसे एक ड्रीम को मीनिंग दे सकते हैं अपने बारे में और जान सकते हैं? कैसे हम खुद से उनको डिकोड कर सकते हैं? सो इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करूंगी। ड्रीम्स, सो बेसिकली ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं आपके लिए? वो इसलिए क्योंकि वो हमारे एक हिडन या फिर सप्रेस्ड फीलिंग, बिलीफ या इमोशन, हमारे कोई अर्जेस या विश को पोर्ट्रे करते हैं। वो एक मीनिंग कैरी करते हैं जो आप, जिनके बारे में कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते। हो सकता है कि आप जेलस या फिर इनसिक्योर फील करते हो जिसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर ना हो, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, तो वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आ जाता है। हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ड्रीम्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ड्रीम्स एक मीनिंग, एक मैसेज कैरी करते हैं, तो हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में जानकर, हम अपने इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने बारे में और अवेयर हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई फ्लॉज है, हम किसी चीज के थ्रू सफर कर रहे हैं, तो हम उससे हील हो सकते हैं। इस वजह से ड्रीम एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपने काउंसलिंग सेशन के टाइम पर, थेरेपी देते टाइम अपने क्लाइंट्स के ड्रीम एनालिसिस करते हैं, सो दैट हाँ जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के बारे में और जान सके, क्लाइंट एक्चुअली क्या फील करते हैं अपने ड्रीम्स में वो उनके बारे में जान सके। सो ये जो ड्रीम एनालिसिस है वो साइकोथेरेपी के टाइम पे भी यूज किया जाता है, सो दैट द क्लाइंट वे नो मोर अबाउट देम सेल्फ। अगर आपने डियर जिंदगी मूवी देखी हो तो उसमें आलिया भट्ट, शाहरुख खान, दैट इज आलिया भट्ट एक क्लाइंट बनती हैं और जो शाहरुख खान है वो एक थेरेपिस्ट बनते हैं। तो वो उनके पास जाती हैं और उनको एक सपना आता है जिसमें आई डोंट रिमेम्बर क्लियर, बट उन पर लोग हंस रहे होते हैं। तो वो अपना ड्रीम बताती हैं अपने थेरेपिस्ट को और थेरेपिस्ट उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हर एक ड्रीम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ चीज़ें कॉमन होती है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, कोई एनिमल देखना। अब वो अर्थक्वेक और एनिमल सबके लिए अलग मीनिंग कैरी कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल एन आउल, अगर आप गूगल पे सर्च करें आउल ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो उसमें एक लिस्ट निकल के आएगी कि इनकी मीनिंग क्या है। अब हर इंसान के लिए उसका मीनिंग अलग हो सकता है क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशन, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनके इमोशन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, तो वो क्या फील कर रहे हैं कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। तो एक डिकोड करने का तरीका है टू गूगल इट। जब आपको ना समझ में आए कि क्या मीनिंग है, तो जस्ट गूगल इट कि मैंने आज अर्थक्वेक देखा या अर्थक्वेक में क्या हुआ, उसके कुछ वर्ड्स डाल दीजिए गूगल पे एंड जस्ट से कि उसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो आप देखेंगे कि लिस्ट निकल कर आएगी, सो दैट यू विल बी नोइंग मोर अबाउट योर सेल्फ कि आप एक्चुअली फील करते कैसे हैं। और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली रेजोनेट करेंगे विद दोज थिंग्स जो उसमें लिखी हुई हैं। अनदर वे इज जब आप सुबह उठते हैं, अब मैं ड्रीम को डिकोड करने की बात कर रही हूँ, उसे याद करने की बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई वेब सीरीज देख ली या किसी के बारे में बात करके सोए तो वो सपने में दिख गया, सो दैट इज वेरी नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि वो एक मैसेज कैरी करे। अनदर थिंग इज कि कई बार जब सोकर हम उठते हैं तो या तो हमें वो ड्रीम इतना इंटेंस होता है कि वो 2 दिन तक याद रहता है, जस्ट हम लोग उसे रिकॉल करते रहते हैं कि क्या हुआ था, क्या इतना इंटेंस था, मैं ऐसा फील कर रही थी, मैं यहाँ फंसी हुई थी, मैंने आज उसे देखा। सो वो भी एक मैसेज कैरी करता है, बस हम उसे मीनिंग नहीं दे पाते हैं। इट कैरीज अ मैसेज। अनदर थिंग इज कई बार हम सुबह उठते हैं और ड्रीम को थोड़ा बहुत याद रहता है और फिर दिन जब आता है, शाम आता है, तो हम उस ड्रीम को पूरी तरीके से भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। बट कुछ चीजें याद होती है कि हाँ मैंने नेम याद रहता है या कोई प्लेस याद रहती है या कोई एनिमल याद। तो आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठे तो कोई भी काम करने से पहले, बेड से उठने से पहले जस्ट 5 मिनट या 3 मिनट्स ओनली,
आप बेड से उठकर आंख बंद करके ये याद कीजिए कि आपने ड्रीम में एक्चुअली देखा क्या था। चाहे वो कोई नेम याद आ रहा हो आपको या कोई सिचुएशन याद आ रही हो, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि मैंने रात में क्या देखा था। अब आप उन सारे नेम, सिचुएशन, कोई एनिमल को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे, ड्रीम क्या सिंबलाइज कर रहा है आपका। जस्ट ट्राई टू यू नो डिकोड इट, एनालाइज करो, डॉट्स को कनेक्ट करो कि मैंने ये चीजें देखी। कोई भी जितनी भी माइन्यूट चीज हो उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि ये पोर्ट्रे क्या करना चाह रहा है, क्या सिंबलाइज करता है। इसके बाद उस ड्रीम को देखते वक्त आप क्या फील कर रहे थे, आप खुश थे, आप एक्साइटेड थे, आप डरे हुए थे, वो क्या इमोशन कैरी कर रहा था। वो एक मैसेज होता है कि आप इस चीज के थ्रू सफर कर रहे हैं, आपको हील करना है। अगर वो पॉजिटिव चीज है देन इट्स गुड, आप एक्चुअली क्या फील करते हैं, मे बी इट्स अ पॉजिटिव मैसेज, जरूरी नहीं कि हर वक्त वो एक नेगेटिव मैसेज हो। अगर आपको ड्रीम को डिकोड करने में, एनालाइज करने में इश्यू आ रहा हो, तो आप उस ड्रीम को अपने बेस्ट फ्रेंड, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, कोई फैमिली जो आपको बहुत अच्छे से समझते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो आपको कोई आइडिया दे कि ये एक्चुअली सिंबलाइज क्या करता है। ट्राई टू डिकोड इट एंड यू विल एक्चुअली फील गुड कि यस, मैं इस चीज से रेजोनेट कर पा रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सो एक मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने सपने में देखा था कि वो एक रोड पे, एक खाली रोड पे अकेले चल रही हैं और वो लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं जाने की कोशिश कर रही हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैंने उनसे ये बोला था कि क्या आप लाइफ में अलोन फील करती हैं, लोनली फील करती हैं, या आप हेल्पलेस फील करती हैं, आप मदद मांगना चाहती हैं पर आपको कोई मिल नहीं रहा है, डू यू फील अलोन। तो फर्स्ट शी डिनाइड कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आफ्टर फ्यू डेज शी केम बैक, शी वॉज लाइक यू नो वॉट, यू वर राइट, आई डू एक्चुअली फील लाइक दैट। तो इट डज कैरी इज अ मैसेज, वो हेल्पलेस फील करती थी, वो अलोन फील करती थी। सो अब उनको उसे हील करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आइदर यू कैन कंसल्ट योर थेरेपिस्ट, योर काउंसलर, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड या ट्रस्टवर्दी पर्सन या फैमिली मेंबर और योर स्पाउस, आप किसी से भी बात करके देख सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन डिकोड इट, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट, ट्राई टू रिमेंबर। सुबह कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले याद कीजिए कि आपने ड्रीम में क्या देखा था। सो इस तरीके से हम अपने इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपने बारे में अवेयर हो सकते हैं। ओके नाउ, सो अनदर थिंग जो मैंने आपको बताई थी वो थी गूगल करना। अगर इनमें से कोई भी मेथड काम नहीं करे, यू कैन गूगल इट। अगर किसी ने अर्थक्वेक देखा है तो आप उसे सिंपली गूगल कर सकते हैं, अर्थक्वेक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, उसके रीजंस निकल के आएंगे। अब जो किसी और के लिए मीनिंग है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए हो, बट क्योंकि वहां पे लिस्ट होगी मीनिंग की तो आप उसे रेजोनेट कर सकेंगे और आपको पता होगा कि अब आपको क्या चीजें अपने अंदर फिक्स करनी है। अनदर मेथड इज ड्रीम जर्नल। अगर आप बेसिकली सोने से पहले अपने बेड के बगल में एक डायरी और पेन रख सकते हैं और सुबह उठ के बस जो चीजें आपको याद आ रही है, चाहे वो कितनी माइन्यूट हो, चाहे वो कितनी इलैबोरेटेड हो, उसको बस लिख लीजिए। तो जब आप हफ्ते भर एक ड्रीम को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें रेपिटेटिव हैं, कैसे आपके इमोशंस चल रहे हैं, आपको किस चीज पे अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रीम, हाउ इट कैरीज मैसेज, कैसे आप उसे डिकोड कर सकते हैं, कैसे वो मीनिंग कैरी करते हैं और आप अपने बारे में और अवेयर हो सकते हैं। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।